वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेस आप सभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीकॉम कॉम इंट्रेंस का एक बार फिर से स्वागत है आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं आपके लिए कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले इस एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रूम सी पी यू रैम एंड एक्सपेंसन कार्ड्स इनमें से कौन सा इन सबको होल्ड करके रखता है ऑप्शंस देखिए हार्ड डिस्क बी फ्लॉपी डिस्क सी मदरबोर्ड डी तो राइट आंसर क्या है मदरबोर्ड मदरबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जो कि इन सबको होल्ड करके रखता है आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द लैंग्वेज दैट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड ऑप्शन देखिए ए मशीन लैंग्वेज बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सी सिस्टम प्रोग्राम डी नन ऑफ दे तो ऐसा लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और एग्जीक्यूट एग्जीक्यूशन होता है परफॉर्मेंस का तो वो है मशीन लैंग्वेज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सी डी सी डी रोम इज ए सी डी रोम क्या है ए सेमी कंडक्टर बी मेमोरी रजिस्टर सी मैग्नेटिक मेमोरी डी स्टोरेज डिवाइस तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी डी रोम एक स्टोरेज डिवाइस है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द बाइनरी नंबर सिस्टम है जब बेस तो बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है ठीक है ऐसे ही डेसिमल का क्या बेस होता है तो बाइनरी का पहले बात कर लेते हैं बाइनरी का होता है टू बेस और डेसिमल की बात करें तो डेसिमल का क्या होता है डेसिमल का होता है टेन बेस इसके बाद में ऑक्टा का क्या बेस होता है तो उसका होता है सिक्सटीन ठीक है तो इस तरह से आप देखिए बाइनरी सिस्टम का बेस कितना होगा टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रैम का मतलब क्या होता है रैम का मतलब होता है ऑप्शन देखिए रेंडम एक्सेस मेमोरी रीड आल्सो मेमोरी रीड एक्सेस मेमोरी और रेंडम आल्सो मेमोरी तो देखिए राइट ऑप्शन क्या होता है रैम का फुल फॉर्म होता है रेंडम एक्सेस मेमोरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इसमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ऑप्शन देखिए सी डी रोम बी रैम सी रोम डी ओ एम आर तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा सी डी रोम एक सेकेंडरी डिवाइस है एज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है तो देखिए माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस माउस से भी हम इनपुट करते हैं स्कैनर से भी इनपुट करते हैं तो इसमें से कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो कि इनपुट डिवाइस ना हो तो डी इज द राइट आंसर नन ऑफ द एब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेन्स मेमोरी स्टोर्स मेन मेमोरी क्या स्टोर करती है ए डेटा ओनली बी प्रोग्राम ओनली सी डेटा प्रोग्राम एंड रिजल्ट आर एनी अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डी नन ऑफ दीज तो इसमें राइट right आंसर क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा ए लेजर प्रिंटर यूजर्स लेजर प्रिंटर क्या यूज करता है तो देखिए इसमें फोटो सेंसिटिव बी कैमरा लेंस सी हीट सेंसिटिव पेपर डी ननाब देवो तो आ, लेजर प्रिंटर में क्या यूज होता है फोटो सेंसिटिव इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेशन इन ए कंप्यूटर डन बाय कंप्यूटर के लॉजिकल ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है तो देखिए ए रजिस्टर्स बी कंट्रोल यूनिट सी एल यू डी नो तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सी एल यू एल यू का फुल फॉर्म क्या होता है अर्थमेटिक लॉजिक लॉजिक यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अगर कभी ऑप्शन में फुल नेम भी पूछा जाए तो आप बता सके ठीक है एल यू का फुल फॉर्म है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट ए माउस टेक्निक कॉमन कॉमनली यूज इन विंडोज विंडोज में कौन सा इनमें से माउस टेक्निक नहीं है तो देखिए लिफ्टिंग बी ड्रैगिंग सी डबल क्लिकिंग डी क्लिकिंग आप देखिए ड्रैगिंग का काम का माउस से होता है डबल क्लिकिंग भी माउस से, से होता है क्लिकिंग का काम भी माउस से होता है लिफ्टिंग का काम माउस से नहीं होता है इस तरह से इज द राइट आंसर फ्लॉपी डिस्क ए फ्लॉपी डिस्क इज ऑर्गेनाइज एज फ्लॉपी डिस्क को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ए ट्रैक्स में बी सेक्टर में सी ट्रैक्स एंड सेक्टर डी हेड्स एंड सेक्टर तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ट्रैक्स एंड सेक्टर की तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मल्टी मीडिया डिवाइस इनमें से कौन सा मल्टी मीडिया डिवाइस नहीं है टी वी सिस्टम और बी है ए बुक बुक हैविंग ओनली टेक्स्ट नो डायग्राम्स और सी है ए मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर डी नन ऑफ दीज तो इनमें से कौन सा जो है मल्टीमीडिया डिवाइस नहीं है तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा कोई भी बुक जिसमें कि टेक्स्ट होता है ये मल्टीमीडिया डिवाइस नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट कैन बी ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट ऑप्शन देखिए ए सिंगल वर्ड और ए लाइन भी हो सकता है बी ए पैराग्राफ सी ए कम कम्प्लीट डी आल ऑफ द एबो तो देखिए इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा डी आल ऑफ द एबो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इफ यू वांट टू कॉपी अ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट विच बटन डू यू क्लिक अब अगर टेक्स्ट को आपको सिलेक्शन करना है तो कौन सा बटन दबाएंगे कौन सा बटन प्रेस करेंगे तो देखिए क्लिक करेंगे ऑप्शन देखिए ए मूव बी कॉपी सी डुप्लीकेट डी तो देखिए कॉपी करने के लिए आप कॉपी का कॉपी जो है क्लिक करेंगे और कॉपी को जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस सी इज द शॉर्टकट की नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिस 2007 पैकेज इंक्लूड द फॉलोइंग वर्ड 2007 ऑफिस 2007 एक्सेस 2007 एक्सेस टू थाउजेंड सेवन डी ऑल ऑफ राइट आंसर है डी ऑल ऑफ द एबो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड टाइपिंग इन अ पैराग्राफ यू विल ऑप्शन ए है कि क्या प्रेस करेंगे प्रेस इंटर की एट द एंड ऑफ इच लाइन बी प्रेस इंटर ओनली एट द एंड ऑफ ए पैराग्राफ सी बोथ ए एंड बी कैन बी अप्लाइड डी नन ऑफ देवो तो देखिये जब पैराग्राफ टाइपिंग करते हैं तो पैराग्राफ के नेक्स्ट पैराग्राफ पे अगर हमें जाना होता है तो प्रेस करते हैं पैराग्राफ के एंड पे तो इस तरह से बी इज द राइट आंसर प्रेस ओनली इंटर ओनली एट द एंड ऑफ ए पैराग्राफ नेक्स्ट क्वेश्चन वेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड गेट्स लोडेड द ओपनिंग स्क्रीन डिस्प्लेज अ डॉक्यूमेंट नेम तो इस पर डॉक्यूमेंट नेम जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड गेट लोड हो जाता है तो कौन सी ओपनिंग स्क्रीन पे क्या लिख करके आता है कौन सा नाम लिख कर के आता है तो देखिए इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा हमेशा आप देखिए डॉक्यूमेंट वन लिख करके आता है राइट आंसर क्या हो जाएगा डॉक्यूमेंट वन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पैराग्राफ मार्क्स सिग्निफाई पैराग्राफ मार्क्स में सिग्निफाई यानी कि क्या आता है ए बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ बी सेविंग हैज बीन डन टिल द मार्क्ड पैरा सी प्रेस द इंटरकी टू मार्क द इंड ऑफ पैरा और डी करेंट करसर पोजिशन इन दैराग्राफ तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा सी प्रेस द इंटरकी टू मार्क द इंड ऑफ पैरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड ऑफ हर सर्टेन वेज बाई विच यू कैन मूव अराउंड इन अ डॉक्यूमेंट तो वर्ड में क्या होता है जिससे कि आप यू कैन मूव अराउंड इन अ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में मूव कर जाते हैं कहीं से कहीं की तरफ तो ऑप्शन देखिए बाई स्क्रोलिंग बाई मूविंग टू स्पेसिफिक पेज और सी है बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ द एवो तो देखिएगा कि वर्ड डॉक्यूमेंट पर जब हम कभी होते हैं तो हमें मूव करना होता है पूरे पेज पर पे तो कैसे मूव कर जाते हैं तो इसमें स्क्रोलिंग करके भी मूव करते हैं और बाई मूविंग टू स्पेसिफिक पेज पर भी पहुँच जाते हैं इस प्रकार हमारा जो है सी इज़ द राइट आंसर बोथ ए एंड बी तो ये थे आज के ट्वेंटी क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे नेक्स्ट सीरीज आपकी टेस्ट मिलने वाली है जिसमें कि आपको कॉमर्शियल मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के जो है क्वेश्चंस आएंगे आपको आगे आने वाली सीरीज में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच नाउ स्टूडेंट्स कैन एंजॉय ऑनलाइन मोड ऑफ दिस्टर्न लर्निंग विथ ऑफिशियल एप of Pankaj Commerce classes available in Play Store.